20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। मंदसौर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 20 मार्च को जिला कांग्रेस पूरे जिले में लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। उक्त आज जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए आगे बताया कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश की जनता द्वारा कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार को सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जन भावना के अनुसार जन कल्याण के कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गत वर्ष 20 मार्च 2020 को भाजपा ने धन बल के आधार पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकारों को गिराने का निंदनीय कार्य किया। भाजपा ने जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराकर प्रदेश की जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का निंदनीय कार्य किया है। समस्त कांग्रेस जनों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों, छोटे कारोबारियों सहित आम जनों से अनुरोध किया है कि 20 मार्च 2021 को लोकतंत्र सम्मान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे जिले मंदसौर सम्मान दिवस कार्यक्रम को सफल बनावे। नव भारत समाचार मंदसौर मध्य प्रदेश से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट। धन्यवाद। लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया और उसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जनता को ये बताएंगे कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जिस तरह से काम किया, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार काम नहीं कर पाई। किसानों के मुक्ति के संबंध में 1 लाख तक का कर्जा माफ किया और बाकी होना था। माफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करी और जो हफ्ता वसूली का जो कार्य होता था उन पे भी अंकुश लगा और जो मिलावटें होती थी युद्ध के खिलाफ युद्ध का कार्य भी किया। अल्पकाल में एक जो टारगेट दिया था उस टारगेट के तहत गौशालाएँ कांग्रेस ने खोली, गौशालाएँ खोली और विकलांग वृद्धों को जो 300 रुपये की पेंशन मिलती थी बरसों से उसको 600 रुपये किया और उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के अंदर 1000 रुपया तक कर दूँगा। इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे और एक चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल रहने के बाद भी सत्ता से पेट नहीं भरा और 30-35 करोड़ में विधायकों की खरीदी हुई कमलनाथ जी खरीद फरोख्त के आगे झुके नहीं चाहते तो वो भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वच्छ आचरण का प्रयोग करते हुए अपने पद से ऐसे विधायकों के सामने झुके नहीं और अपने पद से इस्तीफा दिया।